दोस्तों अभी ना आ चुका है वृक्षारोपण करने का टाइम और हम ना जा रहे हैं। ये केला मम्मी ना चोरी करके लेके आई है और बोलते हैं कि केला ना वैसे जब मांग के लाते तो नहीं लगता है, चोरी करके ही लगाना होता है। तो मम्मी ने ना पहले बू से पूछा हुआ था और आज चुपके से नीचे से चोरी करके हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सपना आ रहा आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 9 बजे से और अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ अपने नीचे वाले रूम से। और अभी ना मेरे साथ है यहाँ पे रियांश, खेल रहा है। हेलो बेबी, और ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, हाय करो, हाय बुनो। ये कौन है? पापा। ये ना अर्जुन की फोटो है स्कूल टाइम की और इसने ना इसको पहचान लिया, पापा पापा बोल रहा है। बुनो कौन है ये? छोटे पापा। पापा को प्यारी करो, पाप इसमें करो ना, आमिया बच्चा प्यारी करता है। तो फ्रेंड्स, आज ना हमारे उत्तराखंड में है हरेला पर्व और हरेला पर्व कैसे मनाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। और बाकी ना वैसे त्यौहार तो हर कोई कॉमन होते हैं, लेकिन जो आज का ये हरेला पर्व है, आज के दिन में ना वृक्षारोपण होता है और हमारे घर पर भी वृक्षारोपण होगा। बुनो ये क्या है कुत्तू, ये क्या दे, क्या है? टीटी। टीटी। ये क्या है? ये क्या है? टीटी। टीटी। तो फ्रेंड्स, ये ना अपनी जो छोटी छोटी गाड़ियाँ, इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनको ना टिटीट बोलता है। और जो उनकी हॉर्न होती है ना, उसको ये पता है कि जो इसकी हॉर्न बजती है उसको टिटीट बोलते हैं, तो वो ना टिटीट टिटीट करके उसी के साथ खेलता है। बाकी मेरा आज का ब्लॉग ना कुछ अलग होने वाला है, तो मेरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे मौसम की बात की जाए ना, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ पे ना चारों तरफ खिली खिली धूप है और देख सकते हो चारों तरफ आज मौसम खुला खुला है, लेकिन आसमान में ना हल्के हल्के से बादल भी छाए हुए हैं। और आजकल का मौसम ना ऐसे ही होता है, अगर धूप खिली खिली भी निकलती है तो थोड़े बहुत बादल ना छाए होते हैं और क्या पता शाम तक बारिश हो जाए। आज हरेला पर्व है तो बारिश लगेगी। और बाकी हमारी गाय भी बन चुकी है बाहर, जो मम्मी ने बांध दी हैं। और तो गाइज, मैंने ना बुनू को ऐसे बांधा हुआ है स्टॉल से, और ये ना पहाड़ी तरीका है। बच्चों को अगर घर से कहीं लेके जाते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं, क्योंकि हाथ में उठाने में बहुत दर्द हो जाता है। जैसे प्लेन्स में तो ऐसे हाथ में उठा के भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्लेन्स होता है, ज़्यादा चलना भी नहीं होता। यहाँ तो नीचे ऊपर चढ़ाई चढ़नी होती है तो हाथ दर्द करने लगते हैं, तो बच्चों को ना यही तरीके से लेके जाया करते हैं कहीं भी। जैसे नैनीहाल जा रहे हो या फिर कभी घूमने मार्केट कहीं भी जाओ, बच्चों को ऐसे उठाया जाता है। और ये ना मेरे को ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैंने इसको ऐसे बांधा है ना कुत्तू, है ना। तो बाकी गाइस, अभी ना हम लोग चलते हैं नहाने के लिए, फिर जब नहा धो के आते फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, फाइनली मैं नहाने धोने के बाद आ चुकी हूँ, और नहाने धोने के बाद ना कुछ मेरा ऐसा फाइनल लुक है। और आज ना मैंने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है। आजकल मैं नीचे ऊपर भी जाती हूँ ना तो सूट ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम है ना तो साड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती है, इधर उधर लटकती रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। और आज ना त्यौहार भी था तो मैंने साड़ी पहन ली है। बाकी त्यौहार के बारे में बताते हैं आप लोगों को कि हमारे वहाँ कैसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हमारे पौराणिक उत्तराखंडी त्यौहार हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हरेला मनाने के क्या महत्व हैं। सबसे पहले तो हरेला पर्व हमारे पर्यावरण को बचाता है और पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलता है और शुद्ध हवा जो मिलती है। शहरों में इस शुद्ध हवा के लिए लोग बहुत तरसते रहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना ये हमें नेचुरल हवा ऐसी मिल जाती है। और ऐसी भी नहीं मिलती, क्योंकि जब हम वृक्ष लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ होता है, तभी हमें ये ऑक्सीजन मिल पाता है। और हम ना बहुत सुखी भी हैं, इस चीज़ के धनी भी हैं कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। और पहाड़ों में ये चीज़ें नेचुरल मिलती हैं, शहरों में इन चीज़ों के लिए ना तरसना पड़ता है। तो हम ना इस हरेला पर्व में हर बार वृक्षारोपण करते हैं और आज भी करेंगे, और कैसे वृक्षारोपण करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो उससे पहले ना हम लोग खाना खा लेते हैं, और ऊपर से मम्मी लोग भी आवाज़ लगा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो पहले खाना खा लेते हैं, जब वृक्षारोपण करेंगे तब आप लोगों से मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी ना आ चुका है वृक्षारोपण करने का टाइम और हम ना जा रहे हैं ये
मिन चली गई है आगे से, मैं भी जा रही हूँ पीछे से, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि हाँ जूक होंगे करके। हाय हाय। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, और मम्मी लगा रही, वहाँ पे दिखाती हूँ कैसे लगा रही है। तो पहले मम्मी कर रही है यहाँ पे सफाई घास काट के। तो दोस्तों अभी ना दिन के 2:30 बज रहे हैं, और अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे ना खिली खिली सी धूप निकल चुकी है। बाकी ऊपर आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन अभी धूप इतनी मस्त खिली खिली धूप निकली है। और बाकी ना अपने कपड़े भी यहाँ पे ज़मीन पे सुखा दूँगी ताकि जल्दी सूख जाएंगे, और बाकी शाम तक बारिश भी लगेगी लगेगी, क्योंकि बादल बहुत घने घने छाए हुए हैं, और अभी के मौसम का ना कुछ कह नहीं सकते हैं। मिनट में बारिश हो जाती है और मिनट में धूप लग जाती है, और बाकी अभी ना इस मौसम को एंजॉय करते हैं। मस्त सा मौसम हो रहा है, देख सकते हो मेरी पानी की बच्चा भी यहाँ पे धूप सेक रही है बड़े मस्त से, और अभी रियांश अंदर है, नहीं तो वो रियांश बैठने ही नहीं देता, इसको पकड़ लेता है। बोला था कि यहाँ पे ना हरिलंग पर्व में बारिश होती ही होती है, तो अभी तक तो ना मौसम ठीक था, हम लोग एक दो पेड़ लगा के भी आए, लेकिन अभी हमें और जाना था दूसरी जगह लगाने पे दूसरे खेत में, और मौसम का हाल कुछ ऐसा हो चुका है, देख सकते हो आप लोग चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं, और अभी होने वाली एकदम अनाधुन बारिश। मम्मी गई अभी गाय बांधने के लिए, तो देखते हैं अगर मौसम ठीक रहेगा तो हम लोग जाएंगे, नहीं रहेगा तो अभी से लेके 5 दिन तक हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं। फूलों की बाड़ी ठंडी ठंडी हवा चली लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली भागले चढ़ो प्यारी चली पूरे भमान, अम्मा भमान कर रही, देख तू भी भमान कर। ओ मियां बाबा, अब हाथ जोड़ो बुनो, अब मंदिर में रख दो उसको, अब हाथ जोड़ो, अब भगवान कर, बस न्या अब भगवान कर, भगवान टीका झरनों को कल कल मीरू बोलो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते, अब भगवान करो झरनों को कल कल
हो गया। चलो तो गाइज फाइनली हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और यहाँ पे खाना भी सारा बनके तैयार है, तो अब है खाने की बारी। और खाने में क्या बना है? ये है पकोड़े और आलू और चने की सब्जी, ये बीच में दही, और ये हमारे हैं पूरियां और पुवे। ये बनते हैं आटे से और मीठा कुछ भी हो सकता है, गुड़, मिश्री या फिर चीनी, किसी भी चीज़ से। बाकी आज का खाना सारा बनाया है मम्मी ने। मम्मी जी कैसे बनाया फिर आपने खाना, कैसा लगा? आपने चूल्हे में खाना बनाया, कैसा लग रहा था फिर? गर्मी नहीं लग रही थी? अच्छा, आज आपने खाना क्यों बनाया फिर? रोज तो भाभी बनाती हैं, रोज बहू खिलाती है, एक दिन सास खिलाएगी करके। आज भाभी मतलब मायके नहीं गई हैं इसलिए ना है ना, आज त्योहार था और भाभी मायके नहीं गई करके बनाया ना। अच्छा, वैसे मम्मी हर त्योहार पे खुद ही बनाती है खाना। और सामने हमारे दीवी ब्लॉगर मम्मी की छोटी बहू, मेरी भी बहू ही है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे आज के त्योहार के बारे में? आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ आज के त्योहार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको हरेला पर्व? बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ मनाओ तो और ज्यादा अच्छा लगता है, तभी हम नीचे से ऊपर आए यहाँ पे कि हम नीचे रहते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आज हमारी मम्मी जी ने खाना बनाया इसलिए आज हम खाएंगे, मम्मी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तब वीडियो बना रहे हैं? मैं तो ब्लॉगर। अच्छा, भैया को वीडियो कॉल किया जा रहा है। बाकी हमारे टकले साहब तो पूजा पाठ सारा कुछ करके आ चुके हैं, अब सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं, बहुत दिनों के बाद फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो खाना एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस हमें खाना मिल चुका है, आ तो जी आप आ गए, हुई ला होने यम यम खाना स्टार्ट। मेरे को भी दे, ये क्या ले, इसमें आप कुछ बना दे, ले पापा, ले मी, ओके।